नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। ये एक्चुअली में एक प्लान था जिससे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो डेडलॉक चल रहा था उसको तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सको। और इसको एक्चुअली में इसी रीज़न से भेजा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि भैया आप कुछ भी करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को डिसाइड करके इंडिया को आज़ाद करो, ठीक है, और अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाए वही बेटर है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा हुआ है। ऑल्सो ये वीडियो हिंदी में है फ्रेंड्स। अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन आया क्यों था। खास बात ये थी फ्रेंड्स, वेवल प्लान आया था और वेवल प्लान के बाद वेवल प्लान में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी रिफॉर्म होके, उसमें जो नॉमिनेट करना था मेंबर्स को, उसको नॉमिनेट करने के लिए इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई 1945 में। वो शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। तो अब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे होंगे, इस बात पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और देखिए, ये अभी से नहीं चल रहा था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, फिर सी राजगोपालाचारी प्लान आया 1944 में, फिर वेवल प्लान और ये शिमला कॉन्फ्रेंस आई 1945 में, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। यानी अब तक काफ़ी कोशिश हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को करने की। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली हैं सब पे वीडियो बनी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देखिएगा ज़रूर। अब हुआ ये, 2 सितंबर 1945 1945 को वर्ल्ड वॉर टू हो गया ख़त्म और ब्रिटेन में हो गई गवर्नमेंट चेंज। अब जो नई गवर्नमेंट आई उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लेमेंट एटली जी। उन्होंने कहा कि हम जितना जल्दी हो सकेगा इंडिया को कर देंगे आज़ाद, और इंडिया को आज़ाद करने के पर्सपेक्टिव से ही कैबिनेट मिशन को बनाया गया जनवरी 1946 में। जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन बना। 24 मार्च 1946 को वो इंडिया पहुंचा। अब इसमें था कौन कौन। इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फिर थे आपके सर स्टफोर्ड क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये सर स्टफोर्ड क्रिप्स पहले भी क्रिप्स मिशन में दिख चुके हैं। और फिर थे ए वी अलेक्जेंडर जो आपके फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। तो ये तीन लोग थे फ्रेंड्स, ठीक है। और कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था कि यहाँ पे आके सबसे पहले तो आप इंडिया की जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें दो सबसे मेन थी आपको पता ही है अब तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एमएल मुस्लिम लीग, तो इनके लीडर से आप बात करें, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करें और उसके बाद एक ऐसा प्लान चॉकआउट करें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन ये कर पाना उस समय पे बहुत मुश्किल था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कि पावर ट्रांसफर होगा। अभी गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार की है, पावर ट्रांसफर होगा तो फिर इंडियंस अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इंडियंस अपनी खुद की गवर्नमेंट नए संविधान के हिसाब से बनाएंगे, संविधान को बनाने में समय लगेगा। तो संविधान के बनाने के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। वो इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी इसको भी डिसाइड करना था इन्होंने, तो बहुत सारे काम करने थे अभी। अब जब कैबिनेट मिशन आ गया इंडिया में तो वो 3 हफ्तों तक अलग अलग लीडर से, मेजर पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश करता रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर से बात की उसने, मुस्लिम लीग के लीडर से बात की, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर आंसर या फिर आप कह सकते हो कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी डिवाइस हो नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रही थी। मुस्लिम लीग को चाहिए था सेपरेट पाकिस्तान, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट पाकिस्तान देने के लिए तैयार नहीं था। तो जब फाइनली कैबिनेट मिशन को पता चला कि अब मैं एक ऐसा प्लान नहीं बना पाऊंगा जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो कैबिनेट मिशन के पास कोई चॉइस नहीं बनी और उनको जो सबसे अच्छा प्लान लगा बेस्ट पॉसिबल रिकमेंडेशंस के साथ, वो उन्होंने बना के सबके सामने रख दिया। यानी पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि सबको मना लें, सबको मिला जुला के काम करें, लेकिन जब एंड में जितने भी लीडर्स थे इस कैबिनेट मिशन ने, जब उनको पता चला कि भाई अब इन सबको पैसिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको लगा कि हाँ ये प्लान सबसे बेस्ट है उसको बना के उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब उस प्लान में उन्होंने क्या कहा, कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले बोला कि पार्टीशन होना ज़रूरी नहीं है। ये तो उन्होंने बोला कि पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्लान कुछ इस तरीके का बना के दिया कि वो पार्टीशन जैसा ही था, ठीक है। तो पार्टीशन नहीं होगा इनिशियली तो उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन पार्टीशन जैसा ही होगा तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप वो में रखा उन्होंने मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड थे।
और ग्रुप बी में पंजाब सिंध NWFPN बलूचिस्तान और बंगाल और आसाम, ये मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया थे। तो कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि 1937 में इन इलाकों में भी मुस्लिम लीग जीत नहीं पाई थी। लेकिन अब तक मुस्लिम लीग काफ़ी चीज़ों को कम्युनलाइज कर चुकी थी, तो इन जगहों पे भी वो मेजॉरिटी में आ गई थी। ठीक है, तो ग्रुप बी में पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, ग्रुप सी में बंगाल और आसाम। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले कौन से हैं, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि जो यूनियन है, जो मतलब सेंटर में होगा, प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि प्रोविंसेस में तो तीन ग्रुप्स बढ़ गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो यूनियन के पास होगा कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये चार चीज़ें होंगी यूनियन के पास। यानी डिफेंस, आउटर डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये सब कुछ यूनियन के सब्जेक्ट होंगे, सेंटर के सब्जेक्ट होंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब प्रोविंसेस के इंटरनल कंट्रोल के अंदर होंगे। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करेंगे सेंटर पे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, हर प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी सेंटर पे, और उसमें हर प्रोविंस का और ब्रिटिश इंडिया के अलग अलग राज्य रजवाड़ों सबका रिप्रेजेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और ये बोला गया कंपोजिशन कुछ इस तरीके का होगा कि ब्रिटिश इंडिया से लगभग 292 लोग जाएंगे इस मेंबरशिप में, और इंडियन स्टेट से लगभग 93 लोग जाएंगे। आगे देखते हैं। फिर कहा गया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी सेंटर पे, उसमें सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट होना चाहिए, और जितने भी पोर्टफोलियो होंगे सब इंडियन लीडर्स लेंगे। यानी अब जो पोर्टफोलियोज डिसाइड होंगे ना, पहले कहा गया था कि नहीं, डिफेंस का पोर्टफोलियो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, बहुत सालों तक फॉरेन पोर्टफोलियो का जो फॉरेन अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो था वो भी ब्रिटिशर्स का रहेगा। अब उसने कहा कैबिनेट मिशन ने कि जितने भी पोर्टफोलियोज हैं सब कुछ इंडियन मेंबर्स के पास हैं, ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और कैबिनेट मिशन ने इंडिया का ये जो अलग से बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको ये भी पावर दी कि आप जब चाहे कॉमनवेल्थ को छोड़ के जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ का पार्ट इंडिया आज भी है। कॉमनवेल्थ क्या है कि जो ब्रिटेन है, क्या ब्रिटेन के जो किंग है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और सब लोग एक कॉमन ग्रुपिंग पे आ गए, तो उस समय पे भी कॉमनवेल्थ होता है था। जो कॉमनवेल्थ बेसिकली उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटिश राज के अंदर भी रही थी, तो आज की डेट में भी कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, आपने सुना ही होगा, इंडिया भी इस कॉमनवेल्थ का पार्ट है, हालांकि उस समय भी पार्ट था। तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि आप चाहें तो कॉमनवेल्थ छोड़ सकते हैं, हालांकि इंडिया ने कॉमनवेल्थ आज तक नहीं छोड़ा है। इन रिकमेंडेशंस को कैबिनेट मिशन की मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिविजिव थी नेचर में, और मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि अगर ये चीज़ लागू होगी तो कभी ना कभी तो हम अपना पाकिस्तान ले ही लेंगे निकाल के। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट किया, जो कि बहुत नॉर्मल था, ऑब्जेक्ट होना था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सीधे सीधे बोल रहा था कि जो वीक सेंटर का कंसेप्ट आप बना रहे हो ना, ये मत बनाइए। अगर आप वीक सेंटर बना देंगे तो देश को टूटने का ब्लूप्रिंट तो आप पहले बना जाएंगे, बाद में सब कोई बोलेगा कि नहीं हम अलग हम अलग हम अलग। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग सेंटर चाहता था, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट, जो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी के अलावा सब कुछ प्रोविंसेस के पास है। तो प्रोविंसेस के पास अगर आप सब कुछ दे दोगे तो सेंटर के पास तो कुछ इफेक्टिव पावर है ही नहीं कि वो कंट्री की सोवरेनिटी को बचा पाए, क्योंकि कल को कोई प्रोविंस खड़ी हो जाएगी कि हमको अलग होना, आज़ाद होना है, तो सेंटर के पास तो इफेक्टिवली कोई पावर है ही नहीं ना रोकने की उनको आज़ाद होने से। तो कांग्रेस चाहती थी एक स्ट्रांग सेंटर हो, ताकि हम अपने आप को फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचा सकें, डिविजिव टेंडेंसीज को रोक सकें। मुस्लिम लीग को डिविजिव टेंडेंसी पसंद आ रही थी, क्योंकि भैया उनको अलग पाकिस्तान चाहिए था। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से शुरू हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो प्लान था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट में जो डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, उस पॉइंट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से अड़ गई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो आप रिलीजन के बेसिस पे जो ग्रुप्स बना रहे हैं ये मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी माहौल बहुत टेंस चल रहा है, और अगर आप फिर से रिलीजन के बेसिस पे ग्रुप्स बना देंगे तो लड़ाई और छिड़ेगी। तो रिलीजन के बेसिस पे ग्रुप्स बनाने के लिए भी मना किया, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बना दिया था, ठीक है, वो गलत था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से था भी गलत। मुस्लिम लीग ने शुरू शुरू में तो प्रोग्राम को ज्वाइन किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने पता चला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लान कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनने के बाद जो मेजॉरिटी होगी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे वो इस कैबिनेट मिशन प्लान को अमेंड कर देंगे,
तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा बोला और मुस्लिम लीग को यह बात पता चली, मुस्लिम लीग ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। शुरू में तो उन्होंने इस प्लान को ज्वाइन किया था, किसको, मिशन, इस कैबिनेट मिशन को, फिर बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड वेवल ने लगभग 14 लोगों को डिफरेंट पार्टीज, रिलीजन्स और डाइवर्स ग्रुप से बुलाया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। उस इंटरिम गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने जाकिर हुसैन को नॉमिनेट किया एज अ मुस्लिम कैंडिडेट, लेकिन मुस्लिम लीग को इस बात से परेशानी हो गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम्स को नॉमिनेट करने की पावर केवल मुस्लिम लीग को है, कोई और पार्टी मुस्लिम्स कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं कर सकती। इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसमें आ गई थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि इसमें हम लोग अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग अब तक कह चुकी थी कि नहीं, अमेंडमेंट करके चेंज कैसे कर देंगे। तो मुस्लिम लीग थोड़ा सा ज्वाइन करने के बाद आला मटोरी करी उसने, और फिर फाइनली मुस्लिम लीग को लगा कि अगर हमको पाकिस्तान चाहिए तो हमको ऑन द ग्राउंड कुछ करना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स को ये डिमांड करी, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पे उतर आओ, सड़क पे उतर आओ, हड़तालों पे उतर आओ, कुछ होने मत दो, तभी हमें पाकिस्तान मिल सकता है, नहीं तो ये काफिर हमको पाकिस्तान नहीं देंगे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, लोगों को भड़का दिया एकदम। मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया ज़मीन पर उतर के कुछ करो, तभी तुमको पाकिस्तान मिलेगा, नहीं तुमको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसी मारकाट मची है ना, ऐसा खून खराब हुआ है कि पूछिए मत, बिल्कुल तबाही मच गई उसके बाद। ये डायरेक्ट एक्शन डे पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। लोगों की जान की उस समय पे कोई कीमत नहीं रह गई थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उनको ऐसा लड़ा दिया लीडर्स ने आपस में कि कुछ बचा ही नहीं करने लायक, पार्टीशन होना ही था उसके बाद। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स ये वीडियो, आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नहीं पसंद आई हो तो आप भले ही डिसलाइक कर दे रहे हैं, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि आप डिसलाइक इसको क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जितना हो सके फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।